अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस ईद के मौके पर ढेरों खुशियां अता फरमाए, और इस कोरोना के सीज़न में जो इसकी लहर चल रही है इससे भी हम सबको महफूज रखे। तो आपको तस्वीर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बना रहे हैं, क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके पर गिफ्ट तो लेने देने होता रहता है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक ईद गिफ्ट का आइडिया, आई होप आपको अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लेटर एस। मैंने जिसको देना है ये गिफ्ट उसका नाम स्टार्ट होता है एस से। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कोई सा नाम जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एस जो वर्ड है उसको ड्रॉ कर लिया है चार्ट पेपर पे, इस तरह सारा आसानी हो जाती है। और उसके बाद मैंने उसको ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे गत्ते पे। गत्ते का जो साइज़ है वो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपने थोड़ा इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा रखनी है तो आप गत्ते जो हैं दो चार यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो इतने से भी काम अच्छे से चल जाता है। बहुत अच्छा है ये, आपको बहुत ही प्यारा और बजट में है ये गिफ्ट। और वैसे भी जो हाथ से बनी हुई चीज़ होती है उसमें जो खलूस और प्यार शामिल होता है उसके कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने एक जो ड्रॉ कर दिया था ऐसे एक गत्ते पे, उसको मैंने काट लिया। अब दूसरा जो है वो भी इसी तरह सेम मैं ड्रॉ करके इसको भी काट लूँगी। लेटर एस को गत्ते पे काटने के बाद अब मैं इसको चिपका रही हूँ गोंद से, और यहाँ पे गोंद ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर साइडों से थोड़ा बहुत रह जाए तो यहाँ पे ग्लू गन इसको मैं लगा दूँगी, और गोंद से इसको लगाने के बाद ओवरनाइट के लिए इसको मैं रख दूँगी इस पे वज़न रख के, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में पेस्ट हो जाए। तो इसको मैं बुक्स हैं मेरे पास काफ़ी तादाद में, तो उनके नीचे मैं इसको रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने रात भर के लिए रख दिया था वज़न के नीचे, बुक्स के नीचे, तो ये पेस्ट हो गया है। अब देखें जो साइडों से थोड़ा बहुत ये रह गया है इसको मैं काट लूँगी और बराबर काट लूँगी, और अगर ये साइडों से कहीं पे ये पेस्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे मैं ग्लू गन की मदद से इसको पेस्ट काट लूँगी। इसको मैंने काट के बराबर कर लिया है, और अब इस पे मैं धागा, ये है वूलन थ्रेड मेरे पास, वो मैं इस तरह से इस पे लगा रही हूँ। धागा जो है यहाँ इस पे लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। थोड़ी सी ग्लू गन की हेल्प चाहिए होती है यहाँ पे, और अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से तो डिफरेंट जो है धागे वो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो एक ही काफ़ी है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी और पसंद पे डिपेंड करता है।
इसको कलरफुल और रेनबो टाइप में बनाना है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जो है कलरफुल धागे वो लगा रही हूँ। और इस तरह ये ज़्यादा ही अच्छा एक रेनबो टाइप इसकी लुक आ जाएगी। धागा जब आपने इस पे लगाना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि धागा जो वो एक दूसरे से भी अटैच हो, इसमें गत्ता नीचे से नज़र ना आए और धागा जो है वो भरा भरा सा नज़र आए। उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो धागे की लेयर्स हैं वो आ जाएं, ताकि ये एक इसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी 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 आ जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस पे धागा जो है मैंने वो सारा लगा लिया है और ये मेरे पास बीड्स, आपको पता है वो पड़े ही रहते हैं, तो ये मैंने इसके दोनों किनारों पे लगा दिए हैं। और अब इस पे मैं लगा रही हूँ लेस, वो भी कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास पड़ी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे लैस मैंने किनारों पे कुछ इस तरह से लगा दी है और लैस यहाँ पे ऊपर भी मैंने लगा दी है, सेक्शन बना दिए हैं इसके जहाँ पे मैंने बीड्स और फ्लावर्स लगाए हैं एक साइड पे। अब मेरे पास ये पड़े हैं वाइट मोती और इनका साइज़ में डिफरेंट है, ये बड़े हैं और ये वाले जो हैं ये छोटे हैं, तो इनको मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ ग्लू गन की मदद से। यहाँ पे आप चाहें तो डिफरेंट कलर के मोती भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो एक कलर के भी, या जैसे ब्लैक येलो कोई इस तरह के एक कलर के भी मोती लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वाइट मोती ही लगा रही हूँ। दो मैंने रखे हैं छोटे और उनके दरमियान में एक बड़ा, फिर दो छोटे और एक बड़ा, इस तरह से मैं इनकी।
ये देखें फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने मोती जो हैं वो लगा दिए यहाँ पे। अब मेरे पास मिरर पड़े हैं डिफरेंट साइज़ के, तो ये मैं मिरर जो है ये नीचे ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। जो मैंने नीचे और ऊपर एक सेक्शन बना दिया था वहाँ पे मैं मिरर लगा रही हूँ। नीचे का जो एरिया है वो उसका जो पार्ट है वो बड़ा है, तो यहाँ पर मैं मिरर जो है वो भी बड़े यूज़ कर रही हूँ। सारा काम करने के बाद ग्लू गन के जो धागे हैं वो रह जाते हैं, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और अब इसको फाइनल लुक देते हैं। ये देखें ऊपर मैंने डोरी जो है वो बना के लगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग मेरी जो वीडियोज़ हैं आप तक लेटेस्ट पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसी तरह के किसी और DIY के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।